जाता था ओनली तीन अंगुल। जब जब बाण मारते थे अर्जुन के रथ पर और कर्ण के बाणों से अर्जुन का तीन अंगुल पीछे जाता तब भगवान श्री कृष्ण कहते वाह कर्ण वाह, और जब अर्जुन बाण मारता तो सात आंच पीछे चला जाता तब भगवान नहीं कहते वाह अर्जुन वाह। तो अर्जुन ने कन्हैया से कहा प्रभु आप मेरी तरफ हो कि कर्ण की तरफ, भगवान बोले क्यों, बोले मैं बाण मारता हूं तो अर्जुन कर्ण का बाण रथ पर 21 आंच पीछे जाता है, प्रभु बाण मारता है तो मेरा केवल तीन अंगुल पीछे जाता है, जब तीन अंगुल पीछे जाए तो आप कहते वाह कर्ण वाह। तब भगवान ने कहा अर्जुन ये बता कि तेरे रथ में कौन बैठा है, अर्जुन ने कहा प्रभु आप बैठे, भगवान ने कहा मुझे जानता है हाँ आप ब्रह्मांड नायक, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन मैं अपनी उंगली रख रहा हूँ, ये रखी उंगली, भगवान ने अपनी उंगली रखी रथ पर, कहा अर्जुन पूरी ताकत लगा के मेरी उंगली हिलाओ, अर्जुन ने पूरी ताकत लगा दी पर उंगली कसकी मस नहीं हुई, भगवान ने कहा अर्जुन मैं भगवान हूँ जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड में लटक रहे हैं, मैं खड़ा हो जाऊँ तो इस संसार में किसी योद्धा में ताकत नहीं थी वो मुझे एक इंच पीछे कर सके, मैं तुम्हारी रथ में बैठा हूँ और फिर भी कर्ण ने तुम्हारी रथ को तीन अंगुल पीछे किया है, और कर्ण की रथ में तो कोई है ही नहीं करने के सिवा, तो तुम सात हाथ पीछे कर रहे हो क्या बड़ी बात है, तुम्हारी रथ में हनुमान जी बैठे हैं राजा पर मैं बैठा हूँ फिर भी तीन अंगुल पीछे कर रहा है, तो निर्णय हो गया, भगवान ने निर्णय दिया यदि तीनों धर्म में देखा जाए बल बल में देखा जाए तो अर्जुन से कहीं श्रेष्ठ कर्ण थे।